गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आपके लिए आज मैं एक बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं और ये प्लान जो है बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बनाया गया है और साथ ही ये प्लान जिस प्लॉट में बनाया गया है वह एक साउथ फेसिंग प्लॉट है और इस प्लॉट का साइज 30.5 फीट बाय 40.5 फीट का है। जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे होंगे कि मेन गेट साउथ और ईस्टर्न कॉर्नर पर प्रोवाइड किया गया है और इस प्लान में 3 फीट का फ्रंट सेटबैक प्रोवाइड किया गया है। मेन गेट से इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको स्टेयरकेस मिलेगा और इस स्टेयरकेस का जो डायमेंशन है ये चौड़ाई आपको 8 फीट 10 इंच का है और लंबाई इसका 16 फीट 10 इंच का रखा गया है। इस स्टेयरकेस का हम लोग मल्टीपर्पस यूज करेंगे, ये आपका कार पार्किंग के तौर पर भी यूज होगा, साथ ही लिविंग रूम और इस बेडरूम में जाने के लिए जो इंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है इसी स्टेयरकेस के नीचे से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से हम लोगों को इस बेडरूम में जाने के लिए एक इंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है, साथ ही यहाँ पर एक सीट आउट भी उसी के साथ प्रोवाइड किया गया है जो कि 3 फीट 10 इंच बाय 5 फीट का है। और इस बेडरूम का जो साइज़ है ये लंबाई आपको 14 फीट है और ये जो डायमेंशन है आपको 10 फीट का रखा गया है। इस बेडरूम को आप गेस्ट रूम के तौर पर यूज कर सकते हैं, साथ ही इसको ड्राइंग रूम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इस मेन एंट्रेंस के थ्रू आप डायरेक्ट लिविंग रूम में इंटर करेंगे और इस लिविंग रूम का जो डायमेंशन है ये 19 फीट 7 इंच का इसका ये डायमेंशन है और ये डायमेंशन आपको 11 फीट का रखा गया है। और इस लिविंग रूम को जो हम लोग लिविंग कम डाइनिंग के तौर पर यूज करेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि किचन जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और किचन का जो डायमेंशन है ये आपका 8 फीट 10 इंच का है और ये डायमेंशन आपको 8 फीट का रखा गया है। इस किचन का जो लोकेशन है वो ईस्टर्न साइड में रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किचन का सबसे बेस्ट लोकेशन आग्नेय कोण होता है। अगर किसी भी कारण से आप किचन को आग्नेय कोण में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से आप किचन को ईस्ट साइड या साउथ साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं। किचन के जस्ट बगल में आपको नॉर्थ और ईस्टर्न कॉर्नर पे एक चिल्ड्रेंस बेडरूम प्रोवाइड किया गया है और इस बेडरूम का जो डायमेंशन है ये आपको 13 फीट का है और ये डायमेंशन आपको 11 फीट का रखा गया है। नॉर्थ और वेस्टर्न कॉर्नर पे एक और बेडरूम प्रोवाइड किया गया है और इस बेडरूम का जो साइज है ये आपका डायमेंशन 10 फीट का है और ये डायमेंशन जो है आपको 14 फीट का रखा गया है। इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है और इस अटैच टॉयलेट का जो साइज़ है ये 5 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है आपका 7 फीट का रखा गया है। जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे होंगे यहाँ पर एक OTS प्रोवाइड किया गया है और इसकी चौड़ाई जो है 5 फीट है और लंबाई इसका 7 फीट का रखा गया है। इस OTS के ऊपर कोई स्लैब नहीं रहेगा, ये ओपन टू स्काई रहेगा और इसी OTS के थ्रू हम लोगों को इस बेडरूम में और इस बेडरूम में साथ ही इस टॉयलेट में और लिविंग रूम में हम लोगों को लाइट और वेंटिलेशन की सुविधा प्राप्त होगी। इस OTS का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम लोग इस 3 साइड से कोई भी ओपन स्पेस नहीं छोड़े हैं, जिसके कारण हम लोग तीनों साइड से कोई भी खिड़की या वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 BHK का यह एक कम्पैक्टेड और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।